Are you able to गुड see the मॉर्निंग screen? मैम। Good morning. Are you able to see the screen, students? यस मैम। यस Okay. Okay. So if you have any problem regarding yesterday's topic, you can ask me. अगर कल के किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको परेशानी है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप पूछ सकते हैं. What about others? It is clear, ma'am. Okay. So हमने कल पढ़ा था भारतीय जनता संघ के बारे में थोड़ा सा. एक मैंने आपको ओरल इंटरव्यू दिया था, इसका इंट्रो दिया था कि क्या होती है ये पार्टी, कैसे फॉर्म हुई, कौन इसके लीडर रहे. आज हम इसकी लाइन टू लाइन पढ़ेंगे. भारतीय जनता संघ वॉज फॉर्म्ड इन 1951 विद श्यामा प्रसाद मुखर्जी एज इट्स फाउंडर प्रेसिडेंट. भारतीय जनता संघ जो है ये बनी थी 1951 के अंदर, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है इसके फाउंडर प्रेसिडेंट रहे हैं. इट्स लाइनेज हाउएवर कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS एंड द हिंदू महासभा बिफोर इंडिपेंडेंस. इसके मांग जो है आपको देखे जा सकते हैं. पहले आज़ादी से पहले जो ये कुछ RSS और हिंदू महासभा करके जो पार्टीज थी या ऑर्गेनाइजेशंस थी, इनके अंदर ही आपको इसके कुछ अंश देखने को मिल जाएंगे. प्रॉपर फॉर्मेशन बाद में हुआ है इसका, ठीक है. द जना संघ वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्टीज इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी एंड प्रोग्राम्स. जना संघ जो है ये इसकी ये बहुत ही अलग थी. इसकी अलग विचारधारा थी और अलग इसके प्रोग्राम्स थे बाकी पार्टीज के कंपैरेटिवली. इट एम्फसाइज्ड द आइडिया ऑफ वन कंट्री वन कल्चर एंड वन नेशन एंड बिलीव्ड दैट द कंट्री कुड बिकम मॉडर्न प्रोग्रेसिव एंड स्ट्रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस. अब क्योंकि जैसे हमने पढ़ा भी कि इनकी विचारधारा अलग थी, इनके प्रोग्राम्स जो थे वो अलग थे बाकी पार्टीज जो समय एग्जिस्ट कर रही थी उनसे, ठीक है. तो ये किसका इनकी विचारधारा में बेसिकली क्या था, इनका क्या आउटलुक था कि एक कंट्री होनी चाहिए, एक कल्चर होना चाहिए और एक नेशन होना चाहिए. ये इनका विश्वास था, ये बिलीव करते थे कि कंट्री को आप मॉडर्न बना सकते हो और प्रोग्रेसिव भी बना सकते हो और उसको स्ट्रेंथ भी आप मजबूत कर सकते हो उसके कल्चर और ट्रेडिशन के बेसिस पे, ठीक है. इनका मानना ये था, ये नहीं था कि भाई आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी ले आओ, दूसरा वेस्टर्न कल्चर अपना लो, तभी आपकी कंट्री जो है मॉडर्न और प्रोग्रेसिव और स्ट्रॉन्ग कहलाएगी. नहीं, इनका मानना ये था कि आप अपने कल्चर और ट्रेडिशन के साथ में भी रह करके आप अपनी कंट्री को मॉडर्न बना सकते हैं, प्रोग्रेसिव बना सकते हैं और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. द पार्टी कॉल्ड फॉर अ री यूनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन अखंड भारत. पार्टी की एक सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो ये थी कि ये चाह रहे थे कि जो देश के टुकड़े हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान के नाम पे, वो वापस से एक हो जाए और ये अखंड भारत कहलाए, ठीक है. ये इकलौती ऐसी पार्टी के बारे में आप जानेंगे जहाँ पर इनकी विचारधारा ये थी कि जो टुकड़े हुए हैं, जो डिविजन किया है ब्रिटिशर्स ने, उसको पूरी तरीके से चेंज करके वापस हम इस पाकिस्तान को भी इंडिया में मिला लिया जाए और इसको पूरा वापस अखंड भारत बनाया जाए, यानी एक भारत. अभी तक किसी को कोई परेशानी आई हो, नहीं समझ आया हो तो पूछ लें. अखंड भारत तक क्या बेटा, क्या बोल रहे हैं आप, आवाज़ क्लियर नहीं है आपकी. The party was in forefront of the agitation to replace English with Hindi as the official language of India. अब पार्टी जो थी पुरजोर कोशिश कर रही थी, सबसे आगे यही पार्टी थी जो इस चीज़ के हक में थी कि इंग्लिश को हटा के
हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए इंडिया की, एंड वॉज ऑल्सो अपोज टू द ग्रांटिंग ऑफ कंसेशंस टू रिलीजियस एंड कल्चरल माइनॉरिटीज। और ये दूसरी चीज जिसके ये खिलाफ काम कर रही थी पार्टी, वो ये थी कि जो कंसेशन दिए जा रहे हैं धार्मिक और कल्चरल माइनॉरिटीज़ को, वो ना दिए जाएं। यानी कि जो प्रॉपर इनको कुछ माइनॉरिटी ग्रुप के लोग जो थे, उनको जो स्पेशल रिजर्वेशन दिए जा रहे हैं उसको, वो चीज़ भी ना दी जाए, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। ठीक है, द पार्टी वॉज अ कंसिस्टेंट एडवोकेट ऑफ इंडिया developing nuclear weapons, especially after China carried out its atomic test in 1964. अब इंडिया तो क्या है, अपने देश की चीज़ों से ही उलझा हुआ था, अपने देश के इश्यूज ही सॉल्व कर रहा था, और दूसरी तरफ बाकी जो देश थे जैसे चाइना हुआ या ब्रिटेन हुआ या और कोई यूरोपियन वो हुई, ठीक है, कंट्री, ये सब क्या कर रहे थे, ये अपने अलग ही उनकी अलग ग्रोथ चल रही थी, टेक्नोलॉजिकल बेसिस हो या न्यूक्लियर वेपन्स हो, अलग अलग चीज़ में ये लोग अपनी ग्रोथ उनकी तो चली रही थी। तब क्या हुआ था, इस पार्टी ने ये भी कहा था कि इंडिया को भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने चाहिए, इंडिया को भी इस तरह के हथियार बनाने चाहिए जैसे कि चाइना ने अभी। और ये तब ये पार्टी कब शुरू हुई, मतलब ये पार्टी ने ये चीज़ कब शुरू करी कि इंडिया को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने चाहिए, इन्होंने तब ये पॉइंट रखा जब चाइना ने 1964 के अंदर न्यूक्लियर एटॉमिक टेस्ट किए थे, तब इनको भी लगा कि इस चीज़ को तो कोई इशू इस चीज़ का तो कोई पॉइंट उठा ही नहीं रहा है देश के अंदर, ये तो अपने उसमें लगे हुए, कल को ये दूसरा देश जो है वो इतनी पड़ोसी देश इतनी तरक्की कर रहा है तो इंडिया को भी करनी चाहिए तरक्की, ठीक है, इंडिया को भी अपने वो बनाने चाहिए। इन द 1950s जिन संघ रिमेन्ड ऑन द मार्जिन्स ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड वॉज एबल टू सिक्योर ओनली 3 लोकसभा सीट्स इन 1952 इलेक्शंस एंड 4 सीट्स इन 1957 जनरल इलेक्शंस टू लोकसभा। 1950s में जनसंघ जो था उसको मार्जिन दे रही थी वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के, मतलब ज़्यादा वोट नहीं मिले थे, और 1952 और 57 के जो इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के उसके अंदर 1952 में जो इलेक्शन हुए थे उनमें इनको सिर्फ 3 सीट मिली थी लोकसभा की, और 1957 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें इनको सिर्फ 4 सीट मिली थी। इन द अर्ली ईयर्स its support came mainly from the urban areas in the Hindi speaking states like Rajasthan, Madhya Pradesh, Delhi and Uttar Pradesh. अब शुरुआत के समय में इनको सपोर्ट, इस पार्टी को सपोर्ट अधिकतर वो स्टेट करती थी जहाँ पर हिंदी बोली जाती थी, ठीक है, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, और जो अर्बन एरियाज भी थे यानी कि पॉपुलर थे, पॉपुलेशन ज़्यादा थी, शहरीकरण वहाँ पे था, ठीक है। द पार्टी लीडर्स इंक्लूडेड श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय एंड बलराज मधौ। पार्टी लीडर्स के अंदर मेनली किन के नाम आते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधौ। द भारतीय जनता पार्टी ट्रेसेस इट्स रूट्स टू द भारतीय जना संघ। अब भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP जो है उसकी जड़ें कहाँ से बिलोंग करती हैं, भारतीय जनसंघ से बिलोंग करती हैं। इस भारतीय जनसंघ पार्टी के बारे में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। रैना ने अपना जवाब दे दिया है, बाकी बच्चे भी अपना जवाब दें। ओके बच्चों, लक्ष्मी, बाकी बच्चों के रिप्लाई आ गए हैं। ओके, तो अब है इमर्जेंस ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज। हमने इस चैप्टर में अभी तक ये पढ़ा है कि कैसे ऑपोजिशन पार्टी जो है वो किस तरह काम करती है, ठीक है, यानी कि दो पार्टीज या दो से ज़्यादा पार्टीज जो हैं वो आपके किसी भी इलेक्शन में लड़ती हैं, मतलब इलेक्शन करती हैं, इलेक्शन में
कंपटीशन रखती हैं, कैसे उनकी आइडियोलॉजी सेट होती है, क्या उनका एजेंडा होता है इलेक्शन को लेकर के, किस तरीके से वो काम करते हैं अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, और कैसे वो लोगों को यकीन दिलाते हैं कि हम ये काम पूरा करेंगे अगर हमारी पार्टी इस बार जीत गई तो. तो ये सारा जो काम है ये दोनों पार्टीज में ही चलता है, लेकिन एट द एंड ऑफ इलेक्शन रिजल्ट क्या होता है, एक पार्टी जीतती है, ठीक है, उसके अपोजिशन में जो पार्टी आती है, अब उनका क्या आउटलुक रहता है इलेक्शन को लेकर के या इलेक्शन रिजल्ट को लेकर के, वो थोड़ा सा हम कुछ इसमें जानेंगे. और पहले के ज़माने में जब हमें आज़ादी मिल गई थी तब वहाँ पर क्या माहौल रहता था, अभी तो क्या बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होने लग गया, अभी तो बेसिक मैनर्स और जो एथिक्स होते हैं वो ही कहीं खो गए हैं, वही गायब से हो गए हैं. लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था, जब हमें आज़ादी मिली थी तब कांग्रेस हो, कांग्रेस के अपोजिशन में जो भी पार्टीज हो या उनके जो भी लीडर्स हो, वो आपस में एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है, आपस में एक दूसरे को बस नीचा दिखाने में नहीं रहते थे या सिर्फ उल्टा सीधा ही नहीं बोलते थे, एक दूसरे को एडमायर भी करते थे कि हाँ आप में अगर कोई अच्छी चीज़ है तो सामने वाला भी आपकी इज्जत करेगा, ठीक है. वो सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे. और कैसे जो दूसरी नॉन कांग्रेस पार्टीज़ थी, ठीक है, उनका उस समय में जो कांग्रेस थी उसके अपोजिशन में जो पार्टीज़ थी, जैसे अभी हमने पढ़ा था भारतीय जनसंघ जो है वो रूट्स हैं भारतीय जनता पार्टी की, और भी पार्टीज़ हुई हैं जैसे सोशलिस्ट पार्टी हुई है, CPI हुई है, ये सारी पार्टी जो हैं वो आज भी मतलब देखी जा सकती हैं. लेकिन इनका ओरिजिन कब हुआ था, इंडिपेंडेंस के बाद में हो गया था, ठीक है, अस्तित्व में ही तभी आ गई थी. तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे इस पैरा के अंदर, एमर्जेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज़, कैसे सारी अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो मिलकर के काम करने में लगी हुई थी. यहाँ पर एक आपको स्केच दिया हुआ है टग ऑफ वॉर रिज्यूम्ड करके, ठीक है, आपके पास में. इसमें आपने ये कार्टूनिस्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं इस तरह की चीज़ों में, इलेक्शंस के दौरान आपको डिफरेंट कार्टूनिस्ट जो हैं उनके काम देखने को मिलेंगे, कार्टून्स देखने को मिलेंगे रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, आपके डेली न्यूज़पेपर हो या आप कोई पर्टिकुलर मैगजीन पढ़ते हो उसके अंदर भी, ठीक है. और इलेक्शन के दौरान तो ये बहुत ज़्यादा ही सार्कास्टिक इनकी अप्रोच रहती है. तो यहाँ पे जो टग ऑफ वॉर दिखाया गया है इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये है 29 अगस्त 1954 का, ठीक है. यहाँ पे कार्टूनिस्ट का इम्प्रेशन जो है वो बहुत ही डिफरेंट दिखाया गया है कि उस समय जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जवाहरलाल नेहरू जो है उनके बारे में, उनका आपको ये दिख जाएगा, ठीक है, स्केच. और बाकी इनके सारे जो लीडर्स रहे हैं वो बैठे हुए हैं एक पेड़ के ऊपर, और बाकी जो इनके अपोजिशन कांग्रेस पार्टी के अपोजिशन में जो पार्टीज रही हैं उनको आप ये नीचे देख सकते हैं कि ये पेड़ को गिराने की कोशिश कर रहे हैं. दिस पेड़, ये जो पेड़ है ये क्या यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, उस समय जो इन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, जो सरकार बनाई है वो, और बाकी पार्टीज क्या कोशिश कर रही है, उसको गिराने की कोशिश कर रही है, नहीं सरकार गिराने की कोशिश कर रही है. समझ में आया आपको ये बेसिक आइडिया क्या है इस कार्टून का जो यहाँ पे दिया गया है. अब इनके ऑपोजिशन में जो लीडर्स हैं उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, AK गोपालन, आचार्य कृपलानी, NC चटर्जी, श्रीकांतन नायर एंड सरदार हुकुम सिंह, ठीक है, ओके. तो अब हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे इस पैराग्राफ के अंदर कि कैसे ये कुछ पार्टीज जो थी कैसे अपना ओपोजिशन का काम करती थी. अब क्या हुआ था, एक एग्जांपल मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगी, मतलब रीसेंट एग्जांपल दूंगी. 2016 के जो हमारे इलेक्शन हुए थे उसके अंदर कांग्रेस को बहुमत तो हासिल दूर की बात है, उनको ओपोजिशन के लिए 10% वोट चाहिए होते हैं, ये भी नहीं मिले थे उनको. उनको हर क्या होता है, हर इलेक्शन के अंदर ओपोजिशन पार्टी बनाने के लिए, जैसे बहुमत बनाने के लिए पर्टिकुलर परसेंटेज आपका डिसाइडेड रहता है ना, उसी तरीके से ओपोजिशन पार्टी बनाने के लिए भी आपका परसेंटेज डिसाइडेड रहता है. जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी 2016 के अंदर बहुमत उनको हासिल हुई थी, तो उसके ओपोजिशन में कांग्रेस पार्टी को 10% वोट भी नहीं मिले थे कि वो एक प्रॉपर अपोजिशन तैयार कर पाए, ठीक है. तो यहाँ पर हमने क्या देखा अभी कि कैसे अपोजिशन के लिए उनको कितने परसेंट वोट चाहिए होते हैं, क्या उनकी आउटलुक होता है. हालांकि अभी आप देखेंगे सिचुएशन तो कांग्रेस और BJP के अंदर बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला कॉम्पिटिशन चलता है. पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था, पहले के ज़माने में पॉलिसीज को उनकी क्रिटिसाइज किया जाता था, एक प्रॉपर अपोजिशन जरूर बिठाया जाता था, काम वो अपने तरीके से ही करते थे, लेकिन
उसमें अगर कुछ अच्छा काम भी कर रहा होता था सामने कोई मेजोरिटी में जो रूलिंग पार्टी है, तो उसको अप्रिशिएट भी करते थे। ऐसा नहीं कि बस उसको, जब देखो जब उसकी हर नीति कोई क्रिटिसाइज कर रहे हो या क्वेश्चंस रेज कर रहे हो, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा कि रूलिंग पार्टी जो होती है उसके ऑपोजिशन बहुत ही मजबूत होना जरूरी होता है, क्योंकि ऑपोजिशन ही जो है रूलिंग पार्टी के काम को चेक करता है और एक उसकी पावर जो होती है बैलेंस बनाए रखता है उसमें, कि ये कहीं अपनी रूलिंग पार्टी जो है ये अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही है। ये सारे काम ऑपोजिशन पार्टी के होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को लाइन टू लाइन। एज वी हैव नोटेड अबव, इट इज नॉट दैट इंडिया डिड नॉट हैव ऑपोजिशन पार्टीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। While discussing the results of the elections, we have already come across the names of many parties other than Congress. ऐसा नहीं है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा उसमें ये हो कि इंडिया की ऑपोजिशन पार्टीज रही नहीं है, सिर्फ कांग्रेस ही रही है उस पीरियड के दौरान। ऐसा भी है कि जो रिजल्ट जो है इलेक्शन के कुछ भी रहे हों, ठीक है, लेकिन हमें और भी पार्टीज के नाम जानने को मिले हैं रादर देन कांग्रेस। कांग्रेस के अलावा भी हमें और पार्टीज के नाम जानने को मिले थे। Even then, India had a larger number of diverse and vibrant opposition parties than many other multi-party democracies. अब इंडिया के अंदर बड़े नंबर में अलग अलग ऑपोजिशन पार्टीज रही हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ में कई सारी मल्टी डेमोक्रेसीज भी रही हैं, यानी कई सारी पार्टीज जो हैं वो अलग अलग छोटी छोटी पार्टीज जो होती थी वो मिल जाती थी, कोशिश करती थी कांग्रेस को डिफीट करने के लिए, उस हिसाब से बोला गया। अब डेमोक्रेसी शब्द जो है क्यों जुड़ जाता है इन पार्टीज के साथ में, क्योंकि हमारे देश के अंदर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो चलाई जाती है, ठीक है। सम ऑफ दीज हैड कम इनटू बीइंग इवन बिफोर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ 1952। अब ये जो छोटी छोटी पार्टीज बन रही थी, ये कई पार्टीज जो हैं वो पहले ही बनना शुरू हो गई थी जबकि हमारे जनरल इलेक्शन हुए भी नहीं थे। 1952 में जो जनरल इलेक्शन हुए थे पहले, उससे पहले ही ये पार्टीज भी बनने लग गई थी। सम ऑफ दीज पार्टीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री इन द 60s एंड 70s। कुछ ये जो पार्टीज हैं इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे देश की राजनीति में 60s और 70s के दौर में। द रूट्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द नॉन कांग्रेस पार्टीज ऑफ टुडे कैन बी ट्रेस टू वन और द अदर ऑफ द अपोजिशन पार्टीज ऑफ द 1950s। अब अधिकतर आपको नॉन कांग्रेस पार्टीज जो हैं, जो आज की नॉन कांग्रेस पार्टीज हैं, ठीक है, उनकी जड़ें आपको 1950s के दौरान ही देखने को मिल जाएगी, कहीं ना कहीं ये उन्हीं पार्टीज से इन्फ्लुएंस्ड हैं, ठीक है। ऑल दीज ऑपोजिशन पार्टीज सक्सीडेड इन गेनिंग ओनली अ टोकन रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये अधिकतर ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं इनको क्या मिला था, एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन मिला था लोकसभा में और स्टेट असेंबली में उस दौरान, क्योंकि उस समय कौन पार्टी ज़्यादा प्रचलन में थी, ज़्यादा फेमस थी, कांग्रेस। तो इनको बस थोड़ा सा एक टोकन रिप्रेजेंटेशन, यानी एक छोटे अमाउंट में ही इनको सक्सेस मिली थी। येट देयर प्रेजेंस प्लेड अ क्रूशल रोल इन मेंटेनिंग द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द सिस्टम। फिर भी उनकी जो प्रेजेंस थी उसने क्या, एक क्रूशल यानी कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चलाने में, उस सिस्टम को मेंटेन करने में। अगर कोई पार्टी जीत गई है और उसके ऑपोजिशन में कोई पार्टी है ही नहीं, तो डेमोक्रेसी कैसे मेंटेन होगी, ठीक है। दीज पार्टीज ऑफर्ड अ सस्टेन्ड एंड ऑफन प्रिंसिपल क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द कांग्रेस पार्टी। अब ये पार्टीज क्या करती थी, अधिकतर मेन काम क्या था इनका, क्रिटिसिज्म था, ठीक है। जो पॉलिसीज बनाई जाती थी या प्रैक्टिसेस की जाती थी कांग्रेस पार्टी के द्वारा, उनको क्रिटिसाइज करना, उनके डीमेरिट्स को हाईलाइट करना, उनके डिसएडवांटेजेस को पे क्वेश्चन उठाना। This kept the ruling party under check and often changed the balance of power within the Congress. ये सब चीज़ें जो थी ruling party को किस में रखती थी, under an eagle eye, एक तरीके से उन पर चेक रहता था, ठीक है, और कई बार उनको बैलेंस भी बनाना पड़ता था, ठीक है, उनकी पावर्स जो थी वो भी बैलेंस रहती थी, कांग्रेस पार्टी के पावर्स जो हैं वो उसका मिसयूज़ नहीं कर पाते थे। By keeping democratic political alternative alive, these parties prevented the resentment
द सिस्टम फ्रॉम टर्निंग एंटी डेमोक्रेटिक. अब ये क्या कर दी थी, जो इनका प्रॉपर काम था कि भाई रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज करना है, उसकी द्वारा प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज को चेक करना है, उनके काम और उनके पावर्स को चेक करना है, उससे क्या हो रहा था, ये जो सिस्टम था वो क्या नहीं बन पा रहा था, कि एंटी डेमोक्रेटिक नहीं बन पा रहा था, और वो प्रॉपरली अपनी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको मेनटेन किया हुआ था. ठीक है. दीज पार्टीज ऑल्सो ग्रूम द लीडर्स हु वर टू बी were to play a crucial role in the shaping of our country. अब इन्हीं parties ने हमारे जो leaders रहे उस समय के उनको improve किया है, उनको grooming किया उनकी, जिससे वो एक important role play कर सके हमारी country को एक अच्छा shape देने में. अभी तक कुछ problem आई है इन paras में तो आप पूछ सकते हैं. एमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज में अभी तक कोई प्रॉब्लम आई है इस टॉपिक को जो हमने पढ़ाया है तो आप पूछ सकते हैं. फटाफट रिप्लाई दीजिए, आके पढ़ना है. हाँ जी विजयलक्ष्मी बोलिए. बेटा आपकी आवाज है ना कुछ. हाँ बेटा आप लिख दो, आपकी आवाज सेम. इवन देन इन इंडिया. अच्छा ओके. इवन देन इन इंडिया. ओके लेट मी फाइंड दिस लाइन. कैन यू प्लीज एलैबोरेट इन विच पैरा दिस लाइन इज इन. इवन देन इन इंडिया हैड अ लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्स एंड वाइब्रेंट. फर्स्ट पैरा. या ओके आई गॉट दैट. ओके क्या हुआ था उस समय में भी, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि उस समय में भी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा अलग अलग और वाइब्रेंट ऑपोजिशन पार्टीज थी. काफ़ी वाइब्रेंट से आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि काफ़ी पावरफुल उनका एक ऑपोजिशन रहा करता था. ठीक है. देन मैनी अदर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीज, जो उसके अलावा बाकी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीज थी, उसके अलावा जो डेमोक्रेसीज हुआ करती थी, मतलब पार्टीज जो हुआ करती थी, उनके अलावा भी काफ़ी नंबर में, बहुत ज़्यादा नंबर में यहाँ पर ऑपोजिशन पार्टीज हुआ करती थी. सिंपली यहाँ पे एक लाइन समझ लो आप कि इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है उस समय में कि सिर्फ कांग्रेस रूल कर रही थी या कांग्रेस बार बार इलेक्शन जीत रही थी तो वही उसी का एक स्टैंड था और पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी. पार्टीज और भी थी जो बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही डिफरेंट थी और कई सारे नंबर में थी और उनका एक बहुत अच्छा स्टैंड हुआ करता था उस समय में. अब समझ आया? Yes, ma'am. अच्छा. Yes, ma'am. Okay. तो अब हमारे पास में सिर्फ 2 मिनट बचे हैं. अगर आपको अभी इसमें कोई प्रॉब्लम आई है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम इसको फिर अपनी नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसमें कंटिन्यू करेंगे प्रॉपरली, क्योंकि अभी 2 मिनट बचे हैं इसलिए. यस मैम. ठीक है. ओके आई गेस किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं अब आपको लिंक भेज रही हूँ आपकी हिस्ट्री क्लास का. ओके ओके मैम.